अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है शॉपिंग स्पेशल। और जो हम लोग आज इसकी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, मैं और मम्मा, हम लोग दोनों जा रहे हैं शॉपिंग मॉल में। और जाके देखें, आज ज़रा मौसम भी ठंडा था, अच्छा था, तो रोज़ा भी हमारा अच्छा गुजर रहा था, तो हम लोगों से जाके जाना तो है ही। और मौसम अच्छा है तो चलो हम दोनों चलते हैं और जाके ईद की शॉपिंग करते हैं, देखते हैं मॉल में क्या लेटेस्ट चीज़ें आई हैं जो ईद के हवाले से। तो अभी हम लोग यहाँ रोड पे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी शॉप्स हैं, यहाँ पर मॉल्स भी हैं। तो अब हम लोग आज यहाँ पर जो है ईद की शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें हमें पसंद आती है या अभी हम लोग को मज़ीद कुछ और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है और नए नए जैसे लेटेस्ट डिज़ाइन की वो कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, क्योंकि ईद के हवाले से चीज़ें नई नहीं आई। तो अभी आप लोग यहाँ पर कितनी सारी शॉप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी गर्मी भी है, इतना ज़्यादा रश है अभी नहीं, और है अभी बस मिला जुला रुझान है यहाँ पर। तो अभी हम लोग चलते हैं मॉल में और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग मॉल में आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैंने कहा आपको मैं ऊपर से ज़रा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि देखें यहाँ पर ट्रैफिक और सामने ग्रीनरी भी थी। तो एक मैंने कहा ये आपको व्यू दिखा देते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा, और आपको भी हम लोग मॉल में भी लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि रोड पे इतना कोई रश भी नहीं है, मतलब कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और लोग भी इतनी ज़्यादा मॉल में नहीं आए, मतलब जैसे पहले होता है रश क्राउड होता है उस तरह से आज हमें देखने को नहीं मिल रहा यहाँ पर रश। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मॉल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही खाली है। ये कहना चाहिए कि ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और यहाँ पे ये देखें सारी मतलब शॉप्स वगैरह भी तकरीबन बंद हैं, कुछ ज़्यादा खुली भी नहीं हुई और रश भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। आगे भी आपको ज़रा दिखाती हूँ कि यहाँ ये देखें बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर रश होता था, इतनी ज़्यादा आवाम होती थी, ये सारी नीचे बस मतलब ना होने के बराबर, ये कोई कस्टमर नहीं है, कोई यहाँ पे रश नहीं है, सारा ये जो सा वो मॉल है खाली है और यहाँ पर हमारा आना भी बेकार है। तो अब हम दूसरे मॉल की तरफ चलते चलते। तो व्यूअर्स, हम लोग दोबारा अब रिक्शे में बैठ गए हैं, वहाँ पे जाना तो हमारा बेकार है ना मामा, वहाँ पर बेकार ही जाना बेटा, टाइम वेस्ट हुआ यही है। अब देखो इधर आते हैं, देखो अब हम दूसरे मॉल जा रहे हैं, वहाँ पर तो मतलब कुछ भी नहीं था, सारे ना कस्टमर थे। आपको पता जैसे हम लोग पहले आते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मौसम देखे कितना अच्छा है मम्मा, है ना, ये देखे बादल और वो ग्रीनरी भी कितनी अच्छी लग रही है। मौसम आशिकाना क्या हो जाए, हाँ मौसम आशिकाना, ये देखिए जी हम आपको जरा मौसम आशिकाना दिखा रहे हैं। और कोई गाना भी इस मौके पर होना चाहिए, गाना मुझे तो जहन में नहीं आ रहा, गाना मेरे भी जहन में नहीं, ओहो भी मेरे जहन में आ रहा था यहाँ पे देख के, कौन सा गाना गाना चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा बादल आए, रोमांटिक सा मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे, और हम पुल से सब गुजरे वो नीचे से भी आप देखें, वो देखिए ना ग्रीन दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं सब, हाँ ये देखिए हमको कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए आज हम लोग बाहर आए कि मौसम बहुत अच्छा हुआ, हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इतना प्यारा है, देखते तो सही। हाँ जी, ये देखिए पुल के नीचे से भी देखिए, हम लोग पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये जो मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है आज, मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान हुआ हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जरा मौसम बहुत अच्छा हुआ हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें रोज़ा भी नहीं लगेगा, हमें प्यास भी नहीं लगेगी, मौसम ठंडा ठंडा सा है, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरे मॉल में जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग मॉल में आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब बर्तन कितने प्यारे प्यारे ज़बरदस्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो मम्मा आप बताएं आपको कौन से में से मतलब बर्तन पसंद है। देख रही हूँ कोई पसंद आए तो ज़रूर इंशाल्लाह खरीदेंगे, आपको तो पता ही है आपकी नानों ने इतने सारे बर्तन दिए मेरी शादी के, वो भी इतने सारे पड़े हैं, वो भी लेती रहती हूँ, और भी बर्तन कितना हाँ सारे बहुत अच्छे बर्तन है यहाँ पर। हाँ, तो मुझे तो पसंद आए ना, मतलब कर लेंगे, वही देख रही हूँ पड़ा हुआ यहाँ पर और ये सारे ये तो मैं वही देख रही हूँ ना, कोई पसंद आया तो इंशाल्लाह जरूर खरीदेंगे। तो ये हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि मतलब कितने अच्छे यहाँ पे क्रॉकरी मिलती है, हम लोग देख रहे हैं अगर हमें कोई पसंद आता है तो हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, वैसे भी माशाल्लाह बहुत बर्तन है, तो हम लोग यहाँ पे आप लोग को भी दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं। मम्मा वैसे भी हम लोग मतलब यहाँ पर आके ये देखे ना दूसरी साइड पे, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ से ही लेते हैं, मतलब जार्स वगैरह अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, ये देखे वो मैं सोच रही थी ये इधर ना मुझे पसंद आया वो सेट केक का, हाँ तो वो दूसरी दूसरी रैंक में था, तो वो मैं ना अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, मैंने कहा वो मैं ले लूँ तो उसे ईद पे ना मैं दे दूँगी गिफ्ट, क्योंकि ईद भी तो मैंने अपनी दोस्त को देनी है ना, तो उसके लिए मुझे पसंद आया। हाँ जी, तो वो मुझे पसंद आया बेटा वो केक वाला, तो वो मैं कह रही हूँ चलिए फिर वो हम लोग ले लेते हैं भाई से, फिर आपको दोबारा बाकी वीडियो दिखाते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स हम लोगों ने जो केक सेट है वो ले लिया है और अब हम लोग यहाँ पर जो से हैं वो बच्चों के गारमेंट्स की तरफ, मतलब जो बच्चों के कपड़े यहाँ पर उस तरफ हम लोग आ गए हैं। तो मम्मा आपने छोटू छोटे के लिए कुछ लेना है तो आप यहाँ से कपड़े पसंद कर लें, यहाँ पे हैं, मैं ज़रा यहाँ पर ज़रा वीडियो बना लूँ आप देख लें। हाँ बेटा, मैंने कहा बच्चों के लिए भी अपने कपड़े ले लूँ मैं,
और फिर दोस्त के बच्चों के लिए भी ले लूँ, क्योंकि ईद उन्हें भी देनी है ना मैंने, तो अपने बच्चों के लिए भी ले लूँ जो छोटे हैं मेरे, तो वो बच्चों के लिए मैं कपड़े पसंद करूँ। चलें अब हम कपड़े पसंद करते हैं, फिर आपको दोबारा वीडियो दिखाते हैं। तो ये देखना कि ना, हाँ बेटा इधर आओ ज़रा, ये देखना दो तीन मुझे चीज़ें पसंद आई हैं, पेंट शर्ट और ये फ्राकें, ज़रा देखना ज़रा मुझे बताना कौन सी इसमें से लेनी चाहिए हमें, वो प्यारी है। पसंद करें बस, मैं फिर आ रही हूँ। हाँ मैंने कहा कलर आप बता देना। तो व्यूअर्स अब हम लोग जो है वो टॉयज़ की साइड पे आ गए हैं खिलौनों की तरफ, तो मुझे यहाँ सब कुछ ये गाड़ियाँ देख के अपने बचपन की याद आ गई है। तो मम्मा बताया ना, मतलब मेरे पास भी ऐसी गाड़ी थी। मैं आपकी नानों ने लेके दी थी जब आप पैदा हुई थी ना, वो नानक चक देते हैं ना, तो उसमें से लेके दी थी उन्होंने गाड़ी, तो मैं रोजाना ना उसे ना बैठने से मैं चलती थी। काश मैं छोटी होती तो मैं ये भी ले लेती। तो आपने बेटा चलाई भी थी ये गाड़ी? तब तो नहीं ना थे, तो अभी सारे आए इतने प्यारे प्यारे से। भी थी आपके पास काफी खिलौने? साइकिल साइकिल तो अभी भी है मेरे पास पड़ी हुई, अभी भी पड़ी है काफी चीजें, तो मैंने दे भी दी है वो काम करने वाली को। ये आपने तो गाड़ी का खूब बुरा हाल किया था, मार मार के चलानी नहीं आती थी, तो वो आपके पापा उसे रात को रोजाना लगा देते थे बिजली पे चार्ज होने, तो फिर आप सारा दिन उसमें खेलती थी, तो इस्तेमाल हाँ, मुझे वही देख के याद आ गया अपना बचपन। हाँ जी इस्तेमाल। ये तो व्यूअर्स अब हम लोग दोबारा आ गए हैं बाहरी रिक्शे में बैठ गए हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, हम लोग तो बस ग्रोसरी की है और मतलब हाँ। थोड़ा बहुत परचेस लिए हैं और जो घर के लिए थोड़ा बहुत लिया है, ग्लास वगैरह, और जो मम्मा ने मतलब केक सेट मतलब गिफ्ट करना है अपनी दोस्त को अपने फ्रेंड को वो लिया है, ग्रोसरी वगैरह की है। ऐसे तो हम लोग मतलब कोई अपनी ईद के लिए फिलहाल हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की, बच्चों के गारमेंट्स लेंगे हम लोगों ने जो आपको दिखाए थे वहाँ पे, और इसके अलावा अभी हम लोग दोबारा फिर आएंगे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, और जो अपनी ईद के लिए अभी हमने सिर्फ एक दो चीज़ें दी हैं, तो मतलब मेन है वो अभी हम लोग दोबारा लेंगे, क्योंकि मुझे ये है कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए ईद करीब आज तक, और लेटेस्ट जो से डिज़ाइन है वो आ जाए। और आपको तो पता ही है हमारा फैसलाबाद के बाजार का, हाँ बाजार है हर चीज़ मिलती है, और यहाँ पे मतलब हर जगह हम लोग मतलब पहले मॉल में गए वहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ, और अब अफ्तारी का टाइम, और सबसे अच्छा मौसम के देखे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और इसी वजह से आज हम लोग बाहर आए हैं कि हम लोग ने कहा कि हम लोग चले बाहर जाके वीडियो भी बनाते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो हम लोग बाहर आ गए और मम्मा को अफ्तारी का टाइम हो गया, चले रक्षे वाले भाई को कह देते हैं कि दुकान पर ना रोक के ना समोसे चाट वगैरह ले लेते हैं बच्चों के लिए भी अपने लिए भी अफ्तारी के लिए। अब जाके तो नहीं ना अफ्तारी तो जाके नहीं बनेगी, अब ऐसे भी थोड़ा सा टाइम ही रह गया है। हाँ जी अब हम लोग मतलब थक भी हम लोग गए हैं, वगैरह तो पका हुआ है वो ही खा लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मतलब यहाँ रास्ते में से कहीं से ले लेते हैं अफ्तारी का सामान, हाँ, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो भी वो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी आज की वीडियो वो पसंद आए, कि पसंद आए हमें अपनी फीडबैक दें, तो रिक्शे वाले अंकल को हम लोग कह देंगे कि जी रुक जाएँ, और ये आप लोग ज़रा हमारी वीडियो को इंजॉय करें, और आप लोगों से दोबारा इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। ये समझे आप, ये समझे एक पार्ट वन ही था कि हम लोगों ने आपको दिखाया मॉल में, मुझे बहुत अच्छा लगा हाथ सब मुझे खिलौने देखे, हाँ वो खिलौने देखे मुझे अपने बचपन की जो सी वो याद भी वो जो है वो ताज़ा होगी, सब कुछ देखे बहुत मुझे अच्छा लगा। आप मतलब हम लोग गए और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो व्यूअर्स अब हम लोग चलते हैं घर, और वो देखिए आप लोग, मैंने ये दोबारा रिकॉर्ड किया मतलब फैसलाबाद सामने लिखा कितना प्यारा हो चुके हुई हुई है यहाँ पर, हमारा फैसलाबाद बहुत खूबसूरत है बहुत अच्छा है, आप लोग आए यहाँ पर। तो अब आप लोगों से साथ चलते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, अगर तो आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।